नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। भारत से कोसो मिल दूर मिस्र एक ऐसा देश है जहाँ की दुनिया आज भी अजीबोगरीब रहस्यों से भरी पड़ी है। रहस्यों के इन्हीं परतों को जैसे जैसे आप खोलेंगे, रेगिस्तान की इस दुनिया में पिरामिड और ताबूत में दफनाई गई मम्मी से जुड़ी किस्से कहानियां आपको जरूर मिलेंगी। जी हाँ, 5000 साल पुरानी सभ्यताओं वाला देश मिस्र आज भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में यकीन करता है। भारत और मिस्र के बीच की ट्यूनिंग ऐसी है कि हर मुश्किल घड़ी में दोनों एक दूसरे के साथ नजर आते हैं। कोरोना के वक्त जब भारत में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो गई थी, उस वक्त मिस्र से ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाएं भेजी गई। भारत की ओर से भी मिस्र को गेहूं भेजा गया। कुछ भारतीय कंपनियों ने देखिए हाल ही में मिस्र में निवेश भी किया है। एजुकेशन सेक्टर, आईटी और डिफेंस सेक्टर में भी भारत को मिस्र की सबसे ज्यादा जरूरत है। भारत के लिए मिस्र अफ्रीका में निवेश करने का एक जरिया बन सकता है और आज उत्तरी अफ्रीका में मिस्र एक मजबूत सैन्य ताकत के रूप में है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने इस्लामिक देशों के एक सम्मेलन में कुछ महीने पहले ही प्रस्ताव लाया था, लेकिन मिस्र की आपत्ति की वजह से वो प्रस्ताव खारिज हो गया। मोदी के दोस्ती के खातिर मिस्र के राष्ट्रपति अल सिसी ने पाकिस्तानियों को ठेंगा दिखा रखा है और आज जब प्रधानमंत्री पहली दफा मिस्र जाएंगे तो एक बार फिर मिस्र की रेगिस्तानी दुनिया से हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति के सबूत नजर आएंगे। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत और मिस्र दोनों की ही हजारों साल पुरानी सभ्यता है और आज भी मिस्र और सनातन सभ्यता में समानता मिलती है। आज भी मिस्र की धरती से हजारों साल पुराने हिंदू मंदिर निकलते हैं। हिंदू धर्म में हम और आप जिन जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं उन्हीं को मिस्र के लोग भी पूजते हैं, बस नाम अलग है, रूप अलग है। लेकिन कैसे, हम आपको पॉइंट टू पॉइंट आइए बताते हैं। मिस्र की सनातनी दुनिया। मिस्र के लोगों का ये मानना था कि सभी प्राणी सूर्य देव रा के आशुओं से उत्पन्न हुए हैं। वहीं हिंदुओं का भी यही मानना है कि सभी प्राणी प्रजापति यानी कि सूर्य देव के आंसू से आए हैं। मिस्र के देव होरस ब्रह्मा की तरह कमल की पंखुड़ियों से पैदा हुए थे। कमल का फूल हिंदू और मिस्र के मंदिरों की वास्तुकला में एक सामान्य विशेषता है। जी हाँ, मिस्र में 7 जातियां थी, वहीं प्राचीन भारत में यानी कि हमारी सभ्यता में 4 जातियां। हिंदू और मिस्रवासी दोनों के समय का विभाजन सप्ताहों के अनुसार ही है और प्रत्येक दिन को एक ही ग्रह के नाम से जाना जाता है। दोनों सभ्यताओं में मानना है कि आत्माएं अमर हैं और मृत्यु के बाद अन्य शरीरों में चली जाती हैं। ग्रहण को लेकर भी दोनों की एक ही मान्यता है। हिंदुओं का मानना यह है कि राहु और केतु सूर्य चंद्रमा को निगल लेते हैं और मिस्र के लोगों ने इसे टाइफोन के लिए जिम्मेदार ठहराया है। मिस्रवासी किसी भी अन्य जानवर की तुलना में गायों को बहुत अधिक सम्मान से रखते हैं। वे आशीष के लिए पवित्र थे और उन्होंने कभी गाय बलिदान में यकीन नहीं रखा। चाहे आप पिरामिड देख लीजिए या फिर मम्मी रखने की परंपरा, दोनों का प्रथम प्रमाण हिंदू धर्म में ही मिलता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, ऐसा कहा जाता है कि राजा दशरथ के शव को सबसे पहले सुरक्षित या फिर यूं कहें कि मम्मीफाई इसलिए किया गया था क्योंकि उनकी मृत्यु के समय राम लक्ष्मण वन चले गए थे और भरत शत्रुघ्न अपने नैनिहाल गए हुए थे। अब देखिए, पूजा और धर्म स्थल के छत को गुंबद की जगह त्रिकोणीय संरचना स्वरूप देना भी मंदिर वास्तुकला का प्रत्यक्ष प्रमाण है जो कि मिस्र से मिलता है। तो मुस्लिम बहुल मिस्र में हिंदुओं की आबादी ना के बराबर है, लेकिन हिंदू धर्म के साक्ष्य आज भी मिस्र की धरती से निकलते हैं। बीते साल देखिए, मिस्र की धरती से ही प्राचीन सूर्य मंदिर निकला था। तो पुरातत्व विभाग ने 4500 साल पुराना सूर्य मंदिर मिस्र की राजधानी काहिरा के दक्षिण हिस्से से निकाला था और इस खोज को लेकर अलसिसी की सरकार ने ये कहा था, ये बिल्डिंग पाचे साम्राज्य के खोए हुए सूर्य की 4 मंदिरों में से एक हो सकती है जिसका उल्लेख कई ऐतिहासिक किताबों में किया गया है। मंदिर की इमारत के कुछ हिस्से को पांचवे साम्राज्य के 6 शासक पैरों ने अपने शासन के दौरान ध्वस्त करवा दिया था ताकि वो वहां अपना मंदिर बनवा सके। तो मंदिर की इसी खोज को लेकर पुरातत्व विभाग का ये कहना था कि ये मंदिर तकरीबन 3500 साल पुराना है और इसके कुछ हिस्सों को तोड़कर प्राचीन मिस्र के पांचवें साम्राज्य के 6 राजा ने अपने मंदिर बनवा दिया था। फिलहाल देखिये, मंदिर से जुड़े अवशेष पुरातत्व विभाग की निगरानी में है। और ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि पीएम मोदी अपने मिस्र दौरे में क्या 4500 साल पुराने इसी सूर्य मंदिर के दर्शन करेंगे? तो मिस्र की दुनिया को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या आप भी यही मानते हैं कि मिस्र का सनातन धर्म से कहीं ना कोई कनेक्शन है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मोदी, 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 मोदी,
मोदी 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 मोदी। Deep.